यहाँ पे बहुत अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा था। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं त्यांनी कसं इंग्लिशमधून पीच दिले ते सर्व त्यांनी त्याच्यामधून आम्हाला समजवलं। परत राजस्थानमध्ये म्हणजे झाडं नसल्यामुळं पाऊस पाणी नसल्यामुळं तिथे म्हणजे पीक बी जास्त येत नाही, त्याच्यामुळं सगळे मारवाडी लोक आपल्या बॉम्बेला येतात। मारवाडी गुजराती हां बरं म्हणजे हे सगळं म्हणजे त्यांना नसल्यामुळं ते लोक हे करतात ना, कारण ती वाळवंट जागा आहे ना। आता आपली जागा कशी जरा थोडी ही आहे तशी त्या वाळवंट जागेमुळं तिथे बी पाहिजे ना, पर्यावरण बी पाहिजे ना। यहाँ पे इतने सारे पिक्चर दिखाए गए और इतनी पब्लिक की भीड़ लगी हुई थी, तो क्या आज के तारीख में ऐसा पिक्चर लोगों को दिखाना चाहिए? जरूर दिखाना चाहिए, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत जरूर। एजुकेशन के लिए जो बच्चे लोग के लिए बताया गया है वो इंग्लिश में ही क्यों बता रहे हैं? उन्होंने एक एक वर्ड इंग्लिश में ही बताया, वो इसलिए बताया कि हमें अभी उसकी जरूरत है। उस वक्त भी वो इंग्लिश में ही बोल रहे थे क्योंकि कोई किताब मराठी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। पहली किताब भी उन्होंने इंग्लिश में ही किया, उसका ट्रांसलेशन करके अभी हिंदी मराठी किए जा रहे, तो कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए ये भी उन्होंने उस वक्त बताया, ये हमें आज भी समझना चाहिए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो एजुकेशन के लिए जो बताया गया है बच्चों के लिए जो स्कूल है वो है, जो बच्चों के नॉलेज है जो उनके दिल में है कि हमें यही पढ़ना है वही स्कूल में भी पढ़ाया जाए, ये जो बताया गया है वो भी फैक्ट है और वैसे स्कूल होना चाहिए। लेकिन बहुत ही जो स्कूल में है अभी तक वैसे नहीं है, और जो स्कूल में है वो बहुत हाई क्लास के वहाँ पर हमारे जो बजट के लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। कार्यक्रम का जो आयोजक है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हम तो बोलते हैं वे हर बार होना चाहिए, अगर कोई आना चाहते उसमें तो वो लोग उनको भी साथ में लेके चले जो आए, जिन्हें नहीं मालूम अभी बहुत जाने हम लोग को भी नहीं मालूम क्या ये क्या हो रहा है, ये डोमेट्री क्यों किया जाता है, क्या है उसमें, ये हमें भी इतना नॉलेज नहीं है, अगर लेके जा चल सकते हैं हम लोग भी आने के लिए तैयार है ना। ऐसा ही बात है, हम लोग भी आने आहे सर्वसामान्य महिला आहे साहेब असं एकंदरीत तरी आम्ही पहिल्यांदाच भेटतो त्यांना। आणि हे आता तुम्ही सगळे कॅमेरामॅन हे सगळेजण इथून मागे आम्हाला हे फ्रीडम कधी मिळालंच नव्हतं आणि हे आमच्यातलीच एक महिला उठून उभी राहिली। आपल्या सगळ्यांचा हा सप्रत्येक विहाराने आत्ता ह्या विहाराने जसा सपोर्ट केला आहे तसंच प्रत्येक विहाराने आमच्यासारख्या महिलांनी तुम्ही सगळ्या भावांनी आणि सगळ्यांनी त्यांना सपोर्ट करून त्यांना वर आणावं हीच एक इच्छा आहे। आणि इथून पुढं त्यांचे प्रत्येक कार्यक्रम म्हणा पिक्चर म्हणा हर एक गोष्ट त्यांची सक्सेस व्हावी एवढीच इच्छा करते। हमारी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। और आज विश्व शांति बुद्ध विहार ट्रस्ट द्वारा सबसे अनोखा उपक्रम हमारे इस विभाग में जो कनेक्टेड ऑफ द स्लम एरिया है और ये यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है। और सबसे पहली बात तो मैं इस बुद्ध विहार में बैठा हूँ और काफ़ी सालों के बाद 35 सालों के बाद इतने सारे प्रेस वालों को देख रहा हूँ, तो सबका मैं धन्यवाद तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फिल्म फेस्टिवल थैंक्स मैडम का नाम क्या प्रीति रत्न मैडम, इनका मैं हमारे सभी की तरफ से उनका मतलब तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। क्या ये जो विषय है बाबा साहब जो भारत के महामानव है वो सिंबल ऑफ नॉलेज है, वो सिंबल ऑफ नॉलेज होने के बाद जो भारत के जो विषय है ये विषय के द्वारा ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें जो विषय है जैसे पर्यावरण है जैसे एजुकेशन है जैसे बाबा साहब का जीवन चरित्र है
ये जो फिल्में हैं ये शायद ही लोगों तक पहुंची नहीं है या पहुंच पाई नहीं है या वो पहुंचने के लिए उनको शायद वो जगह नहीं मिली है, और इन्होंने इस फेस्टिवल के द्वारा उन फिल्मों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं तथा जो रिलीज़ हुई वो फिल्में हमारे तक पहुंची। मैंने भी अभी तक मैं जो OTT सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हूँ लेकिन मैंने अभी तक इनमें से कोई भी फिल्म देखी नहीं है, बट यहाँ आने के बाद मुझे वो देखने को मिली। सो प्राउड फील विश्व शांति बुद्ध विहार ट्रस्ट, सिद्धार्थ मित्र मंडल, माता रमाई महिला मंडल, जो ये आज 133वां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्मदिन महोत्सव मनाने के इस उपरांत में इतने सारे फिल्मों का मनोरंजन द्वारा पब्लिक को, जो लोगों को जिनको अभी तक मालूम नहीं, राजस्थान जैसे राजसमंद जो राज्य है माइनिंग का कितना बड़ा ड्रॉप पॉइंट है, क्या वहाँ पे 20 से 40 जो फीट से नीचे जाने के बाद पानी का स्तर, अभी तक मुझे भी नहीं मालूम था, जाने के बाद नीचे गिरने के बाद वहाँ का जो पर्यावरण, जीव जंतु, सजीव मतलब आदमी नहीं होता है, सजीव यानी वो एक कीड़ा भी होता है, वो एक पंछी भी होता है, उनके जीवन की हानि, बहुत सारे विषय है। जैसे कि उसके बाद आया एजुकेशन, जो एजुकेशन का सबसे बड़ा था नुपुर मयूर जो स्कूल का इंटरनेशनल, जो मतलब एजुकेशन किस प्रकार से बच्चों की डेवलपमेंट्स कैसी होनी चाहिए वो फिल्म द्वारा जो बताया गया है, ये अभी तक मेरे ख्याल से हमारे बच्चे लोगों ने या मैंने भी नहीं देखी। वो OTT पे बहुत सारी इंटरनेशनल मूवीज़ देखते हैं, बट इस प्रकार की जो एजुकेशन है और पर्यावरण है, बाबा साहब का जीवन चरित्र है, बहुत सारी बातें आज हमको देखने का ये माध्यम मिला। तो थैंक यू फॉर विश्व शांति बुद्ध विहार ट्रस्ट, उनकी समिति, उनकी कमिटी और जो भी हमारे कार्यकर्ता है, उन्होंने बहुत अच्छा विषय को हमारे तक, लोगों तक, समाज तक, समाज मतलब हम लोग ही नहीं होते, समाज यानी ये समाज का हर पहलू, जैसे आज आप भी समाज के एक माध्यम हो जो आज यहाँ आप उपलब्ध हो, और ये बहुत अच्छी जगह है जो भगवान बुद्ध बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है, और यहाँ से एक समाज और लोगों को एक मैसेज भी जाएगा ये फिल्म फेस्टिवल द्वारा। थैंक यू आप सभी का, आप लोगों ने भी यहाँ बहुत कीमती समय दिया और हमको भी बहुत अच्छा लगा क्या प्रीति रत्न मैडम द्वारा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फिल्म फेस्टिवल, जिन्होंने और बहुत सारी आने वाली जो उनकी फिल्में हैं जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है, शायद ये माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है, और वो ये संघर्ष है, इसको हम संघर्ष शब्द वापर रहे मतलब यूज़ कर रहे हैं, ये जो संघर्ष है वो लेके इसके द्वारा चल रही है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, और आज ये इतना कीमती समय के बाद हमको बहुत अच्छी फिल्में देखने मिली, तो थैंक यू फॉर 133वां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म महोत्सव शुरू है और ये पूरे भारत में चल रहा है। आज मलाड मालोनी महाराष्ट्र में इस विषय के ऊपर ये इतनी सारा स्क्रीनिंग हुआ है, धन्यवाद आप सभी का, और मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। एक सवाल और है कि ये BDRF जो संस्था है इसके साथ आप लोग कैसे जुड़े हैं ना, ऑर्गेनाइजर को कैसे जानते हैं, आने वाले समय में कैसे आप लोग काम करने वाले हैं, इसके बारे में ये तो प्रीति मैडम एक्चुअली सबसे पहले जो प्रीति रत्ना मैडम है ये हम लोग से कांटेक्ट किए हैं, यहाँ पे आए, हर एक विहार में ये विजिट कर रही थी पर्सनली, तो ये यहाँ पे आए हम लोग से मिले और इन्होंने हमको कॉन्सेप्ट बताया, तो पहले तो हम लोग भी थोड़ा ये हो गया अरे फिल्म फेस्टिवल ये विहार में किस तरह से होगा, तो हम लोग ने जब उन्होंने हमको बुलाया उनके स्टूडियो में, उन्होंने हमको ये फिल्में दिखाई और उन्होंने बताया कि किस तरह से लिमिटेशन हो रहा है कि अगर ये हम लोग थिएटर में रिलीज़ करेंगे तो पब्लिक वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, खास करके आम पब्लिक, तो मुझे पहुँचना है आम पब्लिक तक, तो उन्होंने बोला ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, जो बुद्ध विहार है वो समाज में प्रबोधन का काम करते हैं और हर जगह पे मौजूद है, तो हर विहार में मैं एक ही दिन में स्क्रीनिंग करूँगी, तो मुझे जो लोकेशन में है वो विहार आपको चाहिए। हम लोगों ने भी कमेटी मेंबर्स ने सब ने आपस में विचार विमर्श किया, बोलो हर साल हम लोग तो ऑर्केस्ट्रा गाने ये सब रखते ही हैं, मनोरंजन तो होता ही है पर प्रबोधन होना बहुत ज़रूरी है, और प्रबोधन के माध्यम से ये विषय जो है, ये जो सेंसिटिव विषय है ये यहाँ पर आने चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने भी उनको प्रोत्साहन दिया, बोला आप आइए हमारा विहार आपके लिए ऑलवेज ओपन है, और अगले महीने 9, 10, 11 को यहाँ पे 3 दिन स्क्रीनिंग होगी और 12वें दिन फिर इनका सेलिब्रेशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो विश्व शांति बुद्ध विहार ट्रस्ट, उनकी कमेटी, सिद्धार्थ मित्र मंडल और माता रमाई महिला मंडल, हमारा इनका पूरी तरह से सहयोग होगा कि ये जो उपक्रम है आने वाला जो
9, 10 और 11 मई का ये पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे नियोजन करके हम लोग यहाँ पे जो आजू बाजू के विभाग के जो जितने भी नागरिक हैं उनको दिखा पाए, इन्वॉल्व करना है और हमसे जुड़े हुए जो VR है जिनके पास इस तरह से सुविधाएं नहीं है वो भी यहाँ आके हमको ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से ये कार्यक्रम जैसा हर साल बढ़ते जाएगा तो इनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमें अच्छा लगा और हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। एक्चुअली क्या है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये बहुत ही कम समय में अपना एक विषय लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे शॉर्ट फिल्म होती है एक मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, 2 मिनट की होगी, तो शॉर्ट फिल्म मोस्टली कोई देखने जाता नहीं। और ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये फिल्म फेस्टिवल हमको फिल्म कैसा फिल्म को चूज करने का और वो फिल्म को देखने का नज़रिया बताती है। जैसे जो जो फिल्म बनती है 3 घंटे का शो होता है, 2.5 घंटे का होता है और फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि इस माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ जो फिल्में जो शॉर्ट फिल्म बताई गई डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की होगी या तो पर्यावरण के बारे में होगी या तो एजुकेशन के बारे में होगी और जो कास्टिज्म बताई इसमें कास्टिज्म, तो ये कास्टिज्म एक ऐसा विषय है उनको अगर वर्ल्ड में पहुँचाना है, इंटरनेशनल लेवल इशू बनाना है तो इसके लिए ये फिल्म फेस्टिवल बहुत काम आएगा ऐसा मुझे लगता है। मेरे ख्याल से मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है, तो जो मीडिया तबके का मीडिया बोल सकते हैं क्या, जो लोगों तक पहुँचा सकता है, जो मीडिया आज के माध्यम से जो लोगों की जो भावनाएं पूरे भारतवर्ष में चल रही है जिस प्रकार से, तो मेरे ख्याल से ये फिल्म फेस्टिवल ऐसा है क्या शायद आप लोग हमारे से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाओगे। हम तो एक माध्यम है लेकिन आप तो पूरे देश का एक आईना हो, तो मेरे ख्याल से आप जो आईना है तो ये फिल्म फेस्टिवल डॉक्टर बाबा साहेब BR अम्बेडकर जो उनके नाम से प्रस्तुत हो रहा है तो इसमें आप लोगों की भूमिका मेरे ख्याल से हमारे से ज़्यादा होगी और देखने का नज़रिया आप लोग ही बदल सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोग यहां तक पहुंच सकते हैं। तो माध्यम आप बने और संपर्क हम बनेंगे, तो हम चाहते हैं आप सहयोग और हमारा संपर्क। इसी से ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर BR अम्बेडकर फिल्म फेस्टिवल है जो एक स्त्री है प्रियदर्शिनी मैडम उनके माध्यम द्वारा वो लड़ रही है, मैं लड़ रही बता रहा हूँ ये शब्द मान रहा हूँ मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ, तो शायद ये शब्द ऐसा है क्या एक स्त्री जैसे बाबा साहब ने एजुकेशन के द्वारा महिलाओं को बहुत स्तर पर लेके गए हैं तो उसी में से ये एक स्त्री होने के बाद भी फिल्म फेस्टिवल वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, जो देखो भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारे से ज़्यादा आप जान रहे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट मैं यही चाहूँगा आप एक माध्यम उचित माध्यम बने और ये जो फिल्म फेस्टिवल है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 133वां ऐसे बहुत सारे 33, 34, 35, 40 ये सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से इंटरनेशनल लेवल पे अभी शायद मेरे को आपको पता नहीं ऑस्कर में एक ऑरिजिन करके फिल्म आ रही है ऑरिजिन करके और उसको जो सुरेश करके है या सुरेश यलगौड़े करके और वर्टिन मैडम करके है उन्होंने उस फिल्म को वर्जिन जो इंटरनेशनल लेवल पे देखिए मैं एक छोटी सी बात आपकी बता रहा हूँ उस फिल्म को रिलीज़ होने नहीं दिया जा रहा था लेकिन उस फिल्म को अभी रिलीज़ कर रहे और वो लोगों तक ऐसे माध्यम से पहुंचा रहे हैं, वहाँ भी थिएटर नहीं मिल रहे इंटरनेशनल लेवल में फिर भी ऑरिजिन करके जो मूवी है वो इंटरनेशनल फिल्म है वो लोगों तक एक शो मांग रहे हैं थिएटर में। जैसे आज हमारे देश में एक जैसे अभी जयंती मूवी आया था शैलेश नरवड़े का उसको रिलीज होने के लिए थिएटर के लिए एक शो नहीं मिल रहा था तो सेम इंटरनेशनल लेवल में ऑरिजिन मूवी आया है उसको भी थिएटर नहीं मिल पा रहा है। जैसे आज इसी द्वारा वो लोग भी माध्यम बन रहे हैं और वहाँ का प्रेस मीडिया है वो उस मूवी को इंटरनेशनल लेवल पे थिएटर तक पहुँचा रहा है और US में वो अव्वल नंबर पे आप मीडिया है आप सर्च करें ऑरिजिन मूवी देखने की कोशिश करें वो भी बाबा साहब के जीवन पे आधारित है। धन्यवाद। इसके पर होने वाला है इसके बारे में जरा सा आप दो दो लाइन आप सब लोग जरा। मैं हाल ही में फिलहाल अभी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि इसमें एक सामाजिक संकल्पना है, ना किसी धर्म के लिए ना किसी मज़हब के लिए, ये एक
मतलब सामाजिक में जो गरीबों का अन्याय अत्याचार का विषय होता है, तो हमको ये शॉर्ट फिल्म जो आधे घंटे की होती है और उसको स्टार्ट टू एंड पूरा इतिहास बताया जाता है कि भारत में अब भी क्या चल रहा है और क्यों ऐसे चल रहा है। तो ये छोटे छोटे ये जो फंक्शन से ऐसे जो होने वाले, इनमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी हुए और हालात जो हमारे भारत के कोने कोने में जो भी हालात चल रहे हैं अन्याय अत्याचार के, और जो हमको सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए फैसिलिटीज़ वगैरह, तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। तो ये लोग समझ के एक सवाल पूछ सकते हैं अपने आप में, डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फंक्शन से जुड़े और एक सामाजिक संदेश लोगों को मिले, ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक और सवाल ऐड करूँगा, ये जो BDRF संस्थान है, इसका एग्जैक्टली काम क्या है? जैसे छोटी फिल्मों को प्रमोट करना या फिर समाज में पिक्चर के जरिए एक बदलाव लाना, एग्जैक्टली इसका क्या है, एक थीम जरा सा पता है? इसका एक फंड ऐसा है मतलब कि समाज में देखो, ये पिक्चर एक आईना होती है समाज का, जो समाज का आईना मतलब अपने आप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये इन पिक्चर के माध्यमों से दिखाया जाता है। जो हकीकत में कहीं पे तो होता है, ये सब चीज़ें होती है तब जाके, और यही मतलब हमारी ताई की संकल्पना है कि ये इस माध्यम से छोटे छोटे लोगों तक, मतलब जितने लोगों तक पहुंचा सके वो पहुंचाने की कोशिश बीड़ी आ रही है। एक और सवाल, शॉर्ट मूवी जो है यूट्यूब पे एकदम सामान्य तरीके से सभी को दिखती है, लेकिन अब ये पब्लिक में इस तरीके से रिलीज करना, सब जगह जगह बहुत भी आर संस्थान पे रिलीज करना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि मतलब जो मराठी में बोलते हैं तड़ागाड़ातला माणूस, मतलब एकदम निचले स्तर के जो लोग होते हैं उन तक ये सब चीज़ें पहुँचती नहीं है, और मतलब लोग खुद होके अपने आप में डेवलपमेंट के बारे में मतलब सोचते नहीं जब तक उनको जगाया नहीं जाता या किसी माध्यम से उनकी आंखें खोली नहीं जाती है। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है, हम मिलके मतलब जितना हो सके ग्राउंड लेवल पे हम छोटे से छोटे इंसान तक ये सब चीज़ें पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और करके रहेंगे। इस फेस्टिवल की जो शुरुआत है वो 2021 में हुई थी। पहला फेस्टिवल हुआ था 2021 में, जो जिसमें हमें ऑल ओवर इंडिया से एंट्रीज आई थी। से उस वक्त इंटरनेशनली वैसा एंट्रीज नहीं था, लॉकडाउन भी था, और 80 एंट्रीज में हम लोगों ने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। उसके बाद फिर 2022 हुआ, फिर 23 हुआ, अभी 24 आ गया, तो थोड़ा सा हमारा ग्रोथ है ना, जो 80 एंट्रीज थी पहले फेस्टिवल में वो कहीं 600 पर जाकर रुकी। इस साल हमें 600 एंट्रीज आई, उसमें से हमने 36 सेलेक्ट की है और 36 फिल्मों का स्क्रीनिंग होने वाला है 9, 10, 11, 12 मई 2024, ये फेस्टिवल की डेट्स है। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि बाबा साहेब ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या किया, तो आज हम यहाँ बैठे हैं, आज मैं बात कर रही हूँ, आज आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, या हम लोग आज एग्रीमेंट पे काम करते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो एग्रीमेंट पर काम करती है, और हर एक चीज़ जो भी कानून के दायरे में हो रही है, और जो आपकी भावनाओं को जो समझा गया है, एक औरत की भावनाओं को जो समझा गया है, मतलब मेरी भी भावनाओं को समझा गया कहीं ना कहीं, मुझे भी अधिकार मिले, एक बूढ़े इंसान को पेंशन का सहारा मिला, एक जवान जो लड़के होते हैं उनको उनके खुद के विचारों से, उनके खुद के डिसीजन से उनको शादी करने का अधिकार मिला, एक बच्चे को 6 साल से 14 साल की उम्र तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिला, तो ये जितने भी अधिकार मिले वो भावनाओं को समझकर मिले। तो बाबा साहेब ने सबसे पहले भावनाओं को समझा है, इसके लिए शायद ये फिल्म इंडस्ट्री भी बाबा साहेब से जुड़ी है। और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब बहुत बड़े तबला वादक थे और वो बहुत अच्छे वॉयलिनिस्ट थे और पत्रकार भी थे। और आपका जो पहला स्तंभ है ना, जो पत्रकारिता शुरू हुई है ना, यहाँ पर मूक नायक के नाम से शुरू हुई है, जो बाबा साहेब ने शुरू की थी। पहले यहाँ बाहर के रिपोर्टर्स आते थे और वो लोग बाबा साहेब के इंटरव्यूज लेते। इस पत्रकारिता को
आग बनाने का काम जो किया है ना, वो बाबा साहेब ने किया है। इसलिए मीडिया चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, हर एक व्यक्ति, चाहे वो बहुजन हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक भारत का हर एक नागरिक बाबा साहेब से इनडायरेक्टली जुड़ा है। इसलिए इस फेस्टिवल का नाम जो है वो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मैडम, फिल्म फेस्टिवल की तो बातें बहुत हो गई, आप ज़रा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप कब से इस इंडस्ट्री में, कैसे ये ख्याल आया कि आपको इस तरह का शो करना चाहिए, और ख़ास करके बौद्ध विहार जैसे जगह जगह जाकर लोगों को फिल्में दिखाना, बच्चों को फिल्में दिखाना, ये विचार कहाँ से आया, ज़रा शुरू से आप विस्तार से बताएं। मेरी शुरुआत बाबा साहेब से, मेरे हाथ से जिस दिन बुक फेंक दी गई थी ना बाबा साहेब की, उस दिन मैं बाबा साहेब से ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी। तो मेरा बचपन का सारा जर्नी वैसे ही गया है। फिर मैंने फिल्म मेकिंग करने के बाद, मुंबई शिफ्ट होने के बाद, दूरदर्शन में काम किया 2 साल, उसके बाद फ्रीलांस में काम किया। तो जो मेरा सफ़र था रेलवे स्टेशन पर सोने से लेकर सब कुछ, तो हर एक स्ट्रगल लाइफ मैंने फेस की है। मैं रास्ते पर भी सोई हूँ, रेलवे स्टेशन पर भी सोई हूँ, तो मुझे आज इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्ट्रगल किस लेवल का है, किस लेवल का नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल किए बगैर आपको उसकी कदर भी नहीं होती। तो वो स्ट्रगल करते वक्त जो थोड़े अनुभव आए कि फिल्म इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, हमारे यहाँ ट्रॉफीज़ बेची जाती है, ट्रॉफीज़ की कीमत होती है, फेस्टिवल नाम की कोई चीज़ बची नहीं है ज़्यादा। पूरा ग्लोब का सोचा जाए तो पूरे ग्लोब पर 60% जो फेस्टिवल्स होते हैं वो USA में होते हैं, और हमारा इंडिया सिर्फ 6% पर अटका हुआ है। आज हम इंडिया में बोलते हैं कि गली गली में फेस्टिवल्स हो गए हैं, लेकिन ऑल ओवर रैंकिंग देखा जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर रैंकिंग देखा जाए, तो इंडिया बहुत पीछे है, इंडिया में फेस्टिवल्स कम हैं। तो इंडिया में अगर फेस्टिवल्स बढ़ेंगे तभी ये सोशल जो फिल्म्स होती है, जो मैसेज लेकर आती है, जो कोई अच्छा मैसेज समाज को देना चाहती है, उनके लिए से फेस्टिवल एक माध्यम है। उनकी फिल्में थिएटर से कम कमाती है, लेकिन फेस्टिवल से ज़्यादा प्रमोट होती है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। इसके लिए फेस्टिवल होना ज़रूरी है, लेकिन फेस्टिवल के साथ साथ प्योरिटी भी होना ज़रूरी है, जो यहाँ नहीं बची थी। यहाँ मैंने ट्रॉफीज़ बिकते हुए देखी, मेरे पास खुद के पास ऑफर्स आए कि आप 7 करोड़ में ट्रॉफी दे दो, 1 लाख में दे दो, 50,000 में दे दो, हर एक चीप से चीप अमाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी अमाउंट तक ट्रॉफीज़ खरीदने की कोशिश होती है। लेकिन हमारी प्योरिटी इतनी ही है कि हम ना तो ट्रॉफीज़ बेचते हैं और ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है, और यहाँ कोई पार्शलिटी होती नहीं है। जो भी डिसीजंस होते हैं वो जूरीज लेते हैं, और उसी डिसीजंस से आगे ट्रॉफीज़, विनर्स, ये सब चीज़ें डिक्लेयर होती हैं। तो ये इस तरीके से मेरा सफ़र रहा है। मैडम, आखिर में एक और सवाल कि हाँ। कैमरे के माध्यम से, क्योंकि जो बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल होते हैं वो काफ़ी बड़ी जगह होती है, कहीं गोवा में होता है, कहीं कहाँ होता है, आप स्लम से जुड़ रहे हैं, बौद्ध विहार से जुड़ रहे हैं, तो इस कैमरे के माध्यम से जो बड़ी संतान है उनको क्या मैसेज रहेगा? ये मैंने भी किया, मैंने शुरुआत पहले ही सोचा था कि ये थिएटर्स में होना चाहिए, थिएटर्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन थिएटर्स वाले जो है वो बहुत कमर्शियली बिहेव करते हैं। ये फिल्म फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल है, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के हर एक इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट एक डोनेशन के नाम पर, जैसे हम बौद्धिज्म में धम्मदान के नाम पर लोग आते हैं, खुद इनिशिएट करते हैं, खुद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है। यहाँ ऑर्गेनाइजर जो है वो पैसा कमाने के पीछे लगा होता है, थिएटर जो है वो पैसा कमाने के पीछे लगे होते हैं, बाकी आने वाले जो गेस्ट है ना, जिन जो सेलिब्रिटीज़ है, उन्हें भी हमें सिर्फ पैसे देना पड़ता है। वो 2-2, 3-3 करोड़ लेते हैं आने के लिए, सिर्फ 5 मिनट आते हैं और जाते हैं, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ना ही वो फेस्टिवल से जुड़े होते हैं। हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं अमिताभ बच्चन आ गए या व्हाट्सएप जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो आ गए और उन्होंने आए वो फेस्टिवल, मतलब वो उस तरीके से उस अवार्ड से या उस फेस्टिवल से जुड़े हैं, लेकिन ये चीज़ें रियल नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसे के नाम पर धंधा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमने सोचा कि फिल्म का पहला कस्टमर जो है, हमारे यहाँ 85% जो आबादी है वो कॉमन पीपल्स है, अमीर नहीं है, और उस फेस्टिवल में सिर्फ अमीर आते हैं, तो क्यों ना कॉमन पीपल तक पहुंच जाए। एक बौद्ध विहार में 50-60-70 लोग रेगुलर काम करने वाले होते हैं, और उसी बौद्ध विहार से जुड़े हुए जो होते हैं वो 200-300-400 लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, जो बहुत नॉर्मल घर से आते हैं,
कोई अमीर नहीं होता है। तो इसीलिए हर बौद्ध विहार में सोच रहे हम लोग कि हर एक बौद्ध विहार जिसमें जगह है वहाँ वहाँ ये स्क्रीनिंग किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वीनियंटली उस एरिया तक पहुँच सके, जिनको ना टिकट का पैसा लगे, ना हमें जगह का पैसा लगे, जहाँ वेस्ट ऑफ मनी नहीं हो, और जितना पैसा अगर हमारे पास बचेगा तो उस पैसे में हम लोग लाइब्रेरी खड़ी कर सकें। इसलिए ये बौद्ध विहारों में चलने वाला एक मिशन है। मैडम, आपने स्ट्रगल के बारे में बताया आपके कि कैसे आप लोग इस संस्थान को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा, कोई योजना या कोई डोनेशन, कोई ऐसी चीज़ की कैसे आप लोग इसको और अच्छे से लेके जाएं और शॉर्ट फिल्मों को और प्रमोट करें? हाँ, अभी नॉर्मल लेवल पर अगर फेस्टिवल किया जाए तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक सिर्फ कॉमन फेस्टिवल में 1.5 से 2 करोड़ तक खर्चा आते हैं। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एनजीओस को पैसा देती है, एनजीओस में ऑलरेडी डोनेशंस आता है, तो जो प्योरली काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करता ही नहीं है, और करने का भी उनके जो साइट्स है उस पर 5 लाख 10 लाख लिखा हुआ है, लेकिन 5 लाख काय गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। 5 लाख में कभी फेस्टिवल हो ही नहीं सकता है और ना कभी हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो। मतलब ये चीज़ें, एक तो यहाँ हर एक फेस्टिवल में आप कैश अमाउंट प्राइस देखेंगे तो 13 लाख 15 लाख 17 लाख ऐसी होती है, हम लोगों ने इसी वजह से कैश प्राइस नहीं रख पाते, हमारा प्रॉब्लम ही वही होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग आते हैं बहुजन समाज से, तो वो अंडर प्रेशर होते हैं, हमें आने वाली धमकियाँ हमें आगे आने नहीं देती है, ऊपर से थिएटर का कोऑपरेशन ही नहीं होता है। पिछले साल भी वही हुआ, पिछले साल भी हमारे साथ थिएटर आधे में ही, एक दिन फेस्टिवल हुआ, दूसरे दिन आधी रात को हाथ उठा लिया थिएटर ने। अब उस वक्त नाक हमारी नहीं कटी, नाक इंडिया की कटती है, लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में या मुंबई में नहीं आते या बहुजन समाज में नहीं आते, लोग यहाँ इंडिया में आते, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इंडिया में लोग आते हैं और इंडिया को बाहर लेके जाते हैं। तो यहाँ से जो गालियाँ लेकर जाएंगे वो इंडिया में ऐसा हुआ, इंडिया में वैसा हुआ, इंडिया के लोग ऐसे, इंडिया के लोग वैसे, ये लेकर जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि मेरा रिक्वेस्ट भी यही है कि सारे थिएटर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने वाली जो फिल्में होती है वो बहुत गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास फेस्टिवल में फ़ीस भरने तक के पैसे नहीं होते। हमारे फेस्टिवल में 5% लोग हैं जो फीस भर सकते, 95% लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री करते हैं। इसका रीज़न ही वही है क्योंकि जो फिल्म बनाते हैं उनके पास पैसे बचे ही नहीं होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट का थोड़ा हेल्प होता है, थोड़ा सपोर्ट होता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एनजीओज है, या ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं इनका जब सपोर्ट मिल जाता है तो ये फेस्टिवल जो है वो ग्रो करता है, और ग्रो करेगा तो ये प्लेटफॉर्म इनडायरेक्टली सभी लोगों के लिए खुला होता है। मैडम, फिल्मों का चुनाव कैसे होता है, विजेता कैसे चुने जाते हैं, कोई ज्यूरी मेंबर जजेस कौन होता है, कैसे विजेता चुने जाते हैं? इस फिल्म फेस्टिवल में दो चीज़ें होती है, जब फिल्में आती है तो फिल्में कैपेबल है या नहीं है ये पहला स्लॉट निकलता है, वो सारा स्लॉट जाता है सिलेक्शन कमेटी मेंबर के पास, सिलेक्शन कमेटी मेंबर सेकंड स्लॉट सिलेक्ट करता है, वो सारा जाता है जूरीज के पास, जूरीज के पास जाने के बाद जूरीज फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करती है और वो हमारे पास आता है रिजल्ट के एक दिन पहले, जब हमारी ट्रॉफीज प्रिंट होने जाती है। अभी भी रिज़ल्ट आने का है, अब तक आया नहीं है, अब शायद 10 या 11 को रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही अनाउंस हो पाएगा, हमें कोई चीज़ पता ही नहीं होती है। मैडम, जल्दी से बता दीजिए कि आपका फिल्म फेस्टिवल कब है, कितना दिन चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये फिल्म फेस्टिवल 9, 10, 11, 12 चार दिन चलेगा मुंबई में, 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक स्क्रीनिंग चलेगा, सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। स्क्रीनिंग के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलेगी, और 12 तारीख को शाम को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा, अवार्ड सेरेमनी होगा। और अभी फ़िलहाल एक वेन्यू हमारा डिसाइड हो चुका है, विश्व शांति बौद्ध विहार मालवणी 5 नंबर मुंबई मलाड वेस्ट, और बाकी के जो वेन्यूज है वो बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेंगे। मैडम, पीछे मीडिया बैनर में ना अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं दिखा है, तो स्पॉन्सरशिप के दरवाजे खुले हैं, आप लोग लेने वाले क्या है या कोई रिक्वेस्ट? यदि कोई हमें स्पॉन्सर करना चाहता है, लेकिन सिर्फ प्योर स्पॉन्सर्स चाहिए,
ट्रॉफीज खरीदने वाले स्पॉन्सर्स कृपया ना आए, हमें खरीदने वाले स्पॉन्सर्स ना आए, हम लोग नहीं बिकेंगे। तो जो प्योरली आना चाहते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं और हमारा हाथ बटाना चाहते हैं, जो अपना नाम नहीं भी देना चाहते और जो नाम देना भी चाहते हैं, ऐसे सारे स्पॉन्सर्स कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे और वेलकम है, आप जब तक आना चाहते हैं आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच।